नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हरनंद कुमार। आप देख रहे हैं BST और टिप्स। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में एंड आज के इस सेशन में हम लोग डॉक्टर RS अग्रवाल का नवीन अंगणित सॉल्व करेंगे, जिसमें अनुपात समानुपात यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक्सरसाइज 12 का भी हम लोग हल करेंगे। फ्रेंड, आपको बता दें कि एक्सरसाइज 12 का भी में हम लोग पार्ट वन वीडियो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ये पार्ट टू वीडियो है। इसमें हम लोग प्रश्न संख्या 14 से लेकर के 26 यानी 26 तक हम लोग सॉल्व करेंगे, और पार्ट वन में हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 13 यानी 13 तक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फ्रेंड, आपके जानकारी के लिए मैं बता दूँ, इसमें क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 22 और 24 को भी हम लोग बहुत अच्छी तरह से बनाएंगे सॉल्व कर। फ्रेंड, बहुत से लोग इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, वो बहाना मार के निकल जाते हैं, या वो बनाना नहीं चाहते हैं, या आसान होता है उसको बनाता है और भारी को छोड़ देता है। लेकिन हम लोग इसमें देखेंगे कि जो भी आसान से आसान और भारी से भारी क्वेश्चन होगा, एक भी क्वेश्चन हम लोग नहीं छोड़ेंगे, बारीकी से बनाएंगे। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं, लोअर भी होते हैं और बहुत से अच्छा खासा भी होते हैं, तो मैं सब को लेकर के चलूँगा, ताकि जो कमज़ोर स्टूडेंट हैं उनको भी बेनिफिट मिलेगा। फ्रेंड, हमने रेशियो का चैप्टर जो है 12 का, ये बहुत ही अच्छी तरह से बनाया है, आप उसको भी देख सकते हैं। और ये पार्ट टू वीडियो है, पार्ट वन वीडियो हम लोग पहले ही बना चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 13 तक, आप उसको भी देख लीजिए। अगर वो नहीं मिलेगा तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसको देखिएगा, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे। जो पार्ट वन वीडियो है वो उसका वीडियो जो का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। फ्रेंड, अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दें। टेलीग्राम BST और टिप्स से चलता है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल। वहाँ पर मैं अपडेट करता रहता हूँ कि जो अगला वीडियो है कब आने वाला। 14 से 26 तक उसमें मैं नहीं एक्स मानूंगा, नहीं वाई मानूंगा, नहीं 100 मान के बनाऊंगा, मैं डायरेक्ट इसको बनाऊंगा। कहते हैं ना मानो एक्स, न मानो वाई, न मानो 100, सिर्फ कॉन्सेप्ट बदलो और अपनाओ खाटी मीटर। तो चलिए शुरू करते हैं। 14 क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन में आपका ये निश्चित राशि दिया हुआ है, 2 ठो, ठीक है फ्रेंड, निश्चित राशि यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है, 2 ठो दिया हुआ है, ठीक। तो देखा जाए, यहाँ पर आपको 3 गो चीज़ है, वायुयान है, जल वायुयान है, जलयान है, और कार द्वारा यात्रा किया जाता है, और समय दिया हुआ है 1:4:5 के अनुपात में, और गति दिया हुआ है 20:1:8 के अनुपात में। ओके, यहाँ पे मैं लिखूँगा वायुयान, जलयान और कार। तो समय का रेशियो दिया हुआ है 1:4 और ये 5 है, 1:4:5 दिया हुआ है। यहाँ पे गति हो जाएगा 20:1:8, ठीक है। यहाँ पे दूरी निकल जाएगा, हम लोग जानते हैं दूरी बराबर 4 गुने समय होता है, दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुने समय होता है। इस लिहाज से ये दोनों को गुना करेंगे, ये 20 आ जाएगा, इस दोनों को गुना करेंगे ये मेरा 4 हो जाएगा, और इस दोनों को गुना करेंगे 8×5=40 हो जाएगा। अब देखा जाए कुल दूरी, ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर टोटल यहाँ पर निकालेंगे दूरी, जो टोटल दूरी हो जाएगा 20 × 4=24, 24 × 40 आपका 64 हो जाएगा। अब यहाँ सोचने वाला बात यह है कि यहाँ से जो कुल दूरी आ रहा है 64 आ रहा है, यहाँ पर दिया हुआ है 2560, तो मैं यहाँ सोचूँगा कि 64 में कितना से गुना किया जाए कि 2560 हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं 40 से गुना कर रहा हूँ। अनुपात के नियम से अगर आप एक चीज़ में गुना करते हैं तो सभी में गुना करना पड़ेगा, इस लिहाज से
हमको यहाँ 40 से गुना कर देते हैं, यहाँ पर भी कर देते हैं, यहाँ पर भी 40 से गुना कर देंगे। अब देखा जाए 40 में 20 से गुना करोगे ये आपका 800 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर जो 40 में 4 से गुना कर कीजिएगा, यहाँ देखिए ये 40 में, देखिए ये 40 में 4 से गुना कीजिएगा तो ये आपका 160 आ जाएगा, और ये 40 में 40 से गुना कीजिएगा तो ये आपका 1600 आ जाएगा। देखिए ये जलयान है, तो जलयान का जो दूरी दिया हुआ है पूछ रहा है, तो जलयान का जो दूरी आपका 160 हो जाएगा। दूरी कितना हो गया? 160 हो गया। ओके, दूरी मेरा निकल गया 160। आगे देखा जाए, दूरी हो गया। अब हमको निकालना है औसत गति। हम लोग जानते हैं औसत गति बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। ओके, अब प्रश्न में जो यहाँ पर औसत गति 64 दिया हुआ है और कुल दूरी भी दिया हुआ है 2560 बट्टा आपका औसत दूरी बटा समय, और समय टोटल कितना यहाँ है, यहाँ देखिए ये टोटल समय है 1 4 5 जोड़ेंगे तो 10, ये इसको काट दीजिए। ठीक है, अब इसको काटेंगे, देखिए इसको काटेंगे तो क्या मरतब पे ये आपका कट जाएगा, ये 40 मरतब पे कटेगा। ठीक है, इस प्रकार से एक यूनिट का मान 4 दिया हुआ है। ठीक है, एक यूनिट का मान कितना दिया हुआ है, यानी एक यूनिट में 4 घंटा लगता है, तो यहाँ से समय 4 दिया हुआ है जलयान का, तो यहाँ पर देखिए एक यूनिट का 4, तो यहाँ 4 यूनिट दिया हुआ है जलयान, तो 4 यूनिट में 4 से गुना तो 4 चौका 16 घंटा, यह आपका 16 आवर आंसर हो जाएगा। यानी मेरा दूरी निकल गया 160 और समय निकल गया अब 4 बराबर, तो 4 बराबर हम लोग समझते दूरी बटा 60, 4 बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी मेरा 160 हो गया। ओनली फॉर जलयान पूछा जा रहा है तो जलयान पर फोकस करेंगे, ये 160 हो जाएगा, आइए आपका समय आ गया, इसको काट देंगे मेरा 10 आ जाएगा, तो 10 मेरा क्या आ जाएगा किलोमीटर पर आवर, ये आपका चाल निकल के आ गया। 15 नंबर क्वेश्चन को हम लोग एलिगेशन से बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये स्टील दिया हुआ है, यहाँ पर निकल दिया हुआ है। ठीक है, देखिए अब जो निकल दिया हुआ है, मान लेता हूँ कि ए टाइप है मेरा, एक बी टाइप है। ए टाइप में निकल 5% है, तो निकल को आप हटा दीजिएगा तो 95 क्या हो जाएगा आपका स्टील आ जाएगा। ओके, अब बी में 40% निकल है, यहाँ पर 40% निकल बोला जा रहा है, तो ये आपका 60 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो 30% है, तो 30 का घटाइएगा तो 70 हो जाएगा। अब ये तिरछा तिरछी घटेगा, घटाएंगे तिरछा तिरछी और समझेंगे सीधा सीधी, घटाएंगे तिरछा तिरछी और समझेंगे सीधा सीधी, तो इसको घटाएंगे 60 में से 70 घटेगा। ठीक है, तो इसको तिरछा, तो यहाँ पर तिरछा, तो ये आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 25, समझ में आया है ना। अब यहाँ पर इसको काट देंगे, ये 2 पंचे ये 5 25, तो 2 5 आ गया रेशियो आ गया 2 5, तो कुल निकालिएगा तो 7 हो जाएगा। यहाँ से कुल स्टील आया है 140, क्या है 140, अब 7 में कितना से गुना किया जाए कि यह 140 हो जाएगा, तो 20 से गुना कर देंगे, तो 20 से इसमें भी गुना कर दीजिए, 20 में इससे गुना कर दीजिए, ये आपका 40 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये 100 हो गया, यही 40 और 100 आपका आंसर हो गया। अब देखा जाए
यहाँ पर देखिए निश्चित राशि जो 75% जो चांदी दिया हुआ है, तो 75% को हम तीसरा नेत्र से अगर देखें तो 3/4 दिया हुआ है। नहीं समझ में आया? देखिए 75% का मतलब होता है 100, तो ये 25 या 25 चौका 100 है क्या? इसको तोड़िएगा 3/4 आएगा ना, तो वही हम मैं कहना चाहूँगा कि ये जो 75% है ना, इसको समझिए 3/4। ओके, अब जो दिया हुआ है क्या कि ये में सोना और चांदी के यहाँ पर ये देखिए कितनी कितनी मिलाया जाए कि कुल मात्रा में इतना में अब दोनों में मिश्रित धातु कितनी मिलाया जाए, ठीक है। तो देखिए अब इसको बनाने के लिए हम क्या क्या करेंगे कि पहले या तो चांदी पहले दिया है चांदी तांबा का अनुपात, चांदी के सापेक्ष में निकाल लीजिए या तांबा के सापेक्ष में निकाल लीजिए, बतवा उतने पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर चांदी के सापेक्ष में करना चाहूँगा, तो ये चांदी के सापेक्ष में है, तो चांदी के सापेक्ष में कीजिएगा तो ये हो जाएगा 7 अब बटा टोटल 7 × 3 = 10। क्लियर? अब देखिए अगला चांदी के सापेक्ष में दूसरी में, तो दूसरी में चांदी 5 दिया है और टोटल मिश्रण 5 × 1 = 6 हो गया, और यहाँ से दोनों के बीच में डाल देंगे 3/4, एलिगेशन आपका हो गया। अब यहाँ पर देखा जाए ये जो 4 हो गया और 6 हो गया और 10 हो गया, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे अंश होता है, एक हर होता है, तो यहाँ पर हर का लसा करेंगे, तो लसा लेंगे 4, 6, 10 का लसा कितना होगा, तो मेरा हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60 से सब में गुना कर देते हैं, 60 से सब गुना कर देंगे। अब देखा जाए जब भी 60 से हम गुना किए हैं तो ये कटने वाला है तो काट देंगे, ये इससे ही कट जाएगा, ये आपका 15 × 60 ये होता है 10, ठीक है। अब देखा जाए यहाँ पर इस लिहाज से देखा जाए तो ये बच गया आपका 7 × 6 = 42, ठीक, ये मेरा आ गया 50 और ये आ गया 15 × 3 = 45, ठीक है। अब ये एक्यूरेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर तीछा तीछी काम करेंगे, देखिए तीछा तीछी करें घटाइए इसको, इसको घटाएंगे तो 50 में से 45 तो 5, ये आपका हो जाएगा 45 में से 42 तो 3, तो ये 5 × 3 का आपका हो जाएगा, तो ये 5 और 3 आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ये 5 यानी पहला जो है 5 किलोग्राम के साथ दूसरी धातु के 3 किलोग्राम के साथ ये आपका रिलेशन बता रहा है, ठीक है। 17 सवाल को बनाने के लिए क्या करना होगा कि जो ही ऐसा पूछेगा कि 2 धातु है ए प्रकार के बी प्रकार के और इसको तीसरी में ढाल दिया जाता है, तो बस आज से छु मंतर आपका हो जाएगा। इसको देखिए इसको हम क्या करेंगे, यहाँ सोना चांदी दिया हुआ है, सोना चांदी दिया हुआ है तो यहाँ पर सोना के सापेक्ष या चांदी के सापेक्ष में निकाल लेंगे, तो मैं यहाँ पर सोना के सापेक्ष में निकालने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। सोना के सापेक्ष में तो पहले सोना दिया हुआ है 9 × टोटल, अगर तांबा के सापेक्ष में करते 2/11 हो जाता है प्लस। अब हम बी वाला में आते हैं, बी वाला में सोना 7 दिया हुआ है और टोटल कितना हो जाएगा 15 × 7 = 22, ये आपका हो गया सोना रेशियो। अब तांबा, ये आपका हो गया सोना हो गया और ये तांबा, तो तांबा में देखिए तांबा में के सापेक्ष में करेंगे तो ए में 2/11 प्लस बी में हो जाएगा 11, ठीक है, आइए 22 × 15 = 22 हो गया। अब देखिए अब यहाँ पर दोनों को हम क्या करेंगे, अच्छा ये फ्रेंड ये 22 होगा, 25 लिखा गया है ये गलत है, ठीक है, क्योंकि हाँ ठीक 15 × 7 = 22 बोले हैं, 22 लिखा गया 25, अच्छा ठीक है होता है। यहाँ पर देखिए 11 / 22 का लॉस लेंगे तो 22 हो जाएगा, 11 दूना
22 तो 9 दोना आई 18 आई 7, बटा पे के जोड़ कर लिए हैं, बटा पे के जोड़ यहाँ पे ऊपर भी करेंगे, ओके 4 15 हो जाएगा। तो ये तो आपका हो जाएगा, देखिए 22 से 22 कट गया, अभी बच गया 18 7, 18 7 25 आई 19, 25 और 19 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है 25 और 19 आपका आंसर हो गया। 18 का सवाल उतने पढ़ा पढ़ी नहीं करना है, देखिए ये एलिगेशन पर बनाइए, देखिए 19 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, है ना, इसको घटाओगे तो हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये आपका 4 हो गया, ये 2 दूना ये 3, 3 दू के लॉसा आ जाएगा। देखिए हमारे कहने का मतलब एलिगेशन कब लागू होगा, एलिगेशन क्या होगा कि दो चीज़ देगा तीसरी के बीच में रहेगा, जैसे ये 19 है आई 9 है, देखिए 9 और 19 के बीच में ना 15 आता है, 9 10 11 12 13 14 15 क्या ऐसे ही, यानी कि इसका इसका दोनों के बीच में तीसरा रहेगा तब एलिगेशन रूल लागू होगा। 19 नंबर देखिए, ऐसा सवाल हम लोग पार्ट वन में भी बनाए थे, आपका रेशियो का जो 12 का ये है वो अगर नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हम बताए थे कि पलटने की विधि से क्या होता है, ढकने की विधि से क्या होता है। तो यहाँ देखिए इसको बनाने में हमको सुविधा होगा ए बी सी, ए रेशियो बी रेशियो सी, यहाँ पर निकालने के लिए हम पलटने की विधि से बना देते हैं, ढकने की विधि से बनाते तो अभी होगा तो पलट देते हैं। पलटने की विधि क्या है कि जैसे कि 1/6 है, हम उसको पलटेंगे तो 6/1, 2/3 को पलटिएगा तो 3/2, 3/4 को पलटिएगा तो 4/3 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक हर का लॉसा लेके काट दीजिए तो 6 2 और 3, 1 2 3 के लॉसा लीजिएगा तो 6, तो 6 से यहाँ पर गुना कर दीजिए, अनुपात के नियम में सब में गुना कि कटने वाला है तो काट दीजिए, बच किया गया 6 का 36 3 9 4 2 8, ये आपका रियल ए बी सी का मान हो गया, ए रेशियो बी रेशियो सी आ गया, ठीक है, ए का मान हो गया 36, बी का मान ये सी का मान आ गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, 36 9 8, इसको नोट कीजिए, मैं इसको डिलीट उड़ा दूँगा, डिलीट करूँगा, ठीक है, नोट कर कीजिए, ओके। अब देखिए ये हो गया 36 9 8, क्या निकल के मेरा आया ए बी सी 36 9 8, यही ना आया, ठीक है। तो यहाँ पर 2120 का मतलब क्या हुआ, ए बी सी का योग है, तो यहाँ पर ए बी सी का योग कितना आ रहा है, यहाँ 36 9 और 8 को जोड़िए, इसको जोड़ेंगे तो मेरा आ जाएगा 53 आ जाएगा, ठीक है। अब 53 में कितना से गुना किया जाए कि 2120 होगा, सोचिए, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा 4 से 40, ठीक है 40 से, तो 40 से 100 में गुना कर दीजिए, 40 से 100 में गुना हो जाएगा, 8 में भी गुना होगा, 9 में भी गुना होगा, आई इसमें भी गुना होगा, ठीक है। तो 36 में 40 से गुना कीजिएगा तो 1440, 9 में 40 से गुना तो 360, 8 में 40 से तो 320, यह ना आंसर है। देखिए यहाँ पर एक्स के वर्ग के 20 क्वेश्चन, एक्स के एक्स वाई के वर्ग के विनोमपाती है, तो देखिए इसको ऐसे लिखा जाता है कि एक्स है इसका जो है मान लेते हैं विलोमानुपाती, तो 1/y, ओके 1/y हो गया। अब एक्स अब हटाने इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, के गुने वाई बटा अरे के गुने 1/y स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका आ गया। अब यहाँ पर एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, वाई का वैल्यू 3 दिया हुआ है, यहाँ पे मान यहाँ पे डाल देते हैं,
तो एक्स बराबर हम फोर ले लेते हैं के गुने वाई, अब वाई के स्क्वायर तो तीन थ्री है, तीन तीन नौ कर दें डायरेक्ट हो गया। अब यहाँ पर तीछा तीछे गुना करेंगे तो आपका के बराबर हो जाएगा नौ चौक छत्तीस, के का वैल्यू मेरा निकल के आ गया छत्तीस आ गया। ठीक है, अब देखिए फिर एक बार काम करेंगे हम, फिर यहाँ पर एक बार काम करते हैं क्या कि यहाँ पर हम लोग का आया था x बराबर के गुने इतना आया था, अब k का मान यहाँ पर डाल देते हैं। अब x का वैल्यू निकालना है, k का मान हमको आया है छत्तीस, वन बटा वाई स्क्वायर, वाई के वैल्यू आप डालिए छत्तीस, छत्तीस से छत्तीस कट गया, x का मान मेरा आ गया कितना वन। ठीक है फ्रेंड, क्या आ गया वन है ना, x का वैल्यू मेरा वन आ गया। 21 क्वेश्चन है, 600 का ये चेक भुगतान करता है, 10 रुपया 5 रुपया के कुल 72 नोट मिलते हैं, तो इसको ज़्यादा उससे अति करने की कोई जरूरत नहीं है, हम इसको भी एलिगेशन से बनाने का प्रयास करते हैं। हम सोचते हैं क्या कि जो 32 नोट है, या तो हो सकता है डायरेक्ट 10 रुपया के 32 नोट हो जाए, ओके, या ये भी हो सकता है कि 5 रुपया के 3200 नोट हो जाएं, क्या 3200 नोट हो जाएं। अब देखिए इसको गुना कीजिए और इसको गुना कीजिए, ठीक है, तो इसको गुना करेंगे तो 772 आ जाएगा, इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा मेरा 360 आ जाएगा। ठीक है, 360 आ गया, और देखिए 360 और 720 के बीच में होता है 600, अभी बताए थे क्या एलिगेशन रोल का, अभी दोनों के बीच में रहे तो दोनों के बीच में है। ठीक है, अब देखिए अब 600 360 के घटाइए, तो इसको हम घटाएंगे तो कितना होगा, इसको घटाइएगा तो 240 आ जाएगा, और 600 720 में से 600 घटाइएगा तो 120 हो जाएगा, इसको काटिए। ठीक है, जैसे हम इसको काटते हैं, इसको काटेंगे तो ये 2 × 2 = 1, मेरा रेशियो आ गया 2:1, यहाँ जो रेशियो आ गया 2:1 का रेशियो आ गया। 22 क्वेश्चन में देखा जाए तो यहाँ पर a प्लस बी अपॉन √3 √ab बराबर 4/1, यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। ठीक है, इसको सीध करना है। ठीक है, तो या तो हो सकता है कि इसको तोड़िए बीच में छोड़ दीजिए, फिर इसको छोड़ दीजिए, दोनों मुंह के मिला दीजिए, हो जाएगा। देखिए वही काम करेंगे, यहाँ पर किताब में भी दिया हुआ है, आप किताब में भी दे सकते हैं, किताब में थोड़ा लेंदी है, हम इसको अपना माइंड से इसको बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, देखिए ये हो सकता है, आप लोग भी यहाँ पर माइंड थोड़ा ध्यान लगाइए, आप लोग भी बुद्धिजीवी व्यक्ति है। यहाँ देखिए, यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ओके। अब देखिए, अब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, तो ऊपरी हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर कर रहे हैं, तो नीचे भी करेंगे तो स्क्वायर से रूट तो ये कट जाएगा क्या, यहाँ समझिए, ये चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड हम करेंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ऊपरों स्क्वायर लगेगा, नीचे स्क्वायर लगेगा, तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा क्या, ये स्क्वायरिंग बोथ साइड होगा। अब देखिए तो ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर और नीचे ये भी हो गया, देखा जाए यहाँ पर, तो ये प्लस बी के होल स्क्वायर हमको आता है क्या, ए स्क्वायर अब बटा ए बी, आई प्लस है तो प्लस, इसको अलग अलग छाँट छाँट के इसको जो है ना हम लिखते जा रहे हैं। देखिए अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर बटा ए बी से भाग हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 ab होगा बराबर 4 चौका 16,
हाँ अब देखा जाए यहाँ पर ए से कट जाएगा, ये बी से ए वो भी कटेगा, यहाँ पर ए बी से ए भी कट जाएगा, यहाँ पर बॉच किया गया। देखिए यहाँ पर हमारे पास अभी बॉच किया गया, बॉच गया में ए बी प्लस ए में बी बटा ए बी बराबर आई 16 में से 2 घट जाएगा तो 14, ठीक है, इतना ही आ गया। यानी इसको हम तोड़े हैं तो इतना आया है। देखिए हमारे कहने का मतलब इसको तोड़े हैं ना तो ए बटा ए बी प्लस बी बटा ए ए बटा बी प्लस बी बटा ए बराबर 40, 14 आ गया। इसको तोड़े हैं तो अब इसको भी तोड़ेंगे तो इतना ही आना चाहिए, तब ना बराबर प्रूफ होगा। देखिए उससे ही कर रहे हैं हम इसको, अब इस तो तोड़ लिए, अब इसको तोड़ेंगे। देखिए इसको तोड़ने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लिख लेते हैं क्या, इसको हम लिख लेते हैं ए अपॉन बी 7 प्लस इतना अपॉन 1, ये दिया हुआ है, समझिए बात के। यहाँ पर हर के प्रमेयकरण करना है, अगर नहीं कीजिएगा तो ये कंसेप्ट समझ लीजिए। बी बटा ए है, ए बटा बी है तो हम बी बटा ए करेंगे तो ये प्लस है ना सर, तो माइनस हो जाएगा। यहाँ देखिए ये जो प्लस है तो माइनस, इसको हम देखिए ए बटा बी है तब ना प्लस, आई प्लॉट देंगे तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर, बस इतने काम ही में करना था। ये हो गया, अभी दोनों के जोड़िए, एल एच एस आर एच एस दोनों के जोड़ेंगे, इसको भी दोनों के जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे तो ई से ई कट जाएगा प्लस माइनस, आई 7 7 यहाँ पर 14 आ गया, क्या 7 7 14 आ गया कि नहीं। तो वही कहने का मतलब हुआ क्या कि इसको तोड़े हैं सर तो आया था मेरा ए बटा बी बी बटा ए इक्वल टू 14, आई इसको भी तोड़े हैं सर तो यहाँ पे आया है मेरा क्या ए बटा बी प्लस बी बटा ए बराबर 14, अतः एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूफ हो गया है ना। तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड, प्रूव्ड पी आर ओ वी ई डी प्रूव्ड हो गया। 23 में कुछ नहीं करना है सर, यहाँ पर एम का वैल्यू दिया है, एन का वैल्यू में पुट कीजिए आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, करके मैं बता रहा हूँ। देखिए जैसे यहाँ पर 4 है, एम का वैल्यू कितना दिया है बोलते रहिए, 3 प्लस 5 एन का मान 2 अनुपात 4 एम का मान बोलिए 3 माइनस 5 एन के मान 2 हो गया। अब देखा जाए ये 4 3 12 प्लस 5 2 10 4 3 12 माइनस 10, ठीक है सर, ये आपका 22 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ठीक है सर। अब देखिए इसको काटिए ना, 11 अनुपात 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 11 अनुपात 1 हो गया। अब देखिए 24 क्वेश्चन एकदम इजी है, इसको समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखा जाए ये जो ए का मान दिया है, जैसे ऐसे हम समझते हैं ए अपॉन ए, इसको अगर ऐसे समझे, ये जो दिया हुआ है ए अपॉन इतना वाई अपॉन बी और जेड अपॉन सी, समझ रहे हैं बात क्या। इनका कहने का मतलब है क्या कि एक्स का जो वैल्यू हम दिए हैं, यानी एक्स का वैल्यू ए, वाई के वैल्यू बी और जेड के वैल्यू सी, आई में पुट कीजिए तो ये 1 आ जाएगा, इसको पुट कीजिए 1 आ जाएगा है ना, आई इसको भी पुट कीजिए 1 आ जाएगा, 1 1 1 1 2 1 3 आंसर हो गया। नहीं समझे, बनाते हैं सर, बनाइए देते हैं, कला घबराते हैं। देखिए
हमारे कहने का मतलब है कि एक्स का वैल्यू ए दिया है, वाई का वैल्यू बी दिया है यहाँ पर, और जेड का वैल्यू सी दिया है, ये बात ना है। अब देखिए पुट करते हैं, पहले हम इसको तोड़ते हैं, ठीक है, तब बाद में तोड़ेंगे। नहीं, पहले एक चीज़ को समझिए, यहाँ पर ए है गुणे एक्स का वैल्यू ए क्या माइनस बी, और वाई का वैल्यू बी बट्टा ए प्लस बी, यही में दिले है इनटू एक्स के जगह पर ए माइनस वाई के जगह पर बी, हो गया ठीक है। अब देखिए तो ए में ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर, माइनस बी में बी से गुना करेंगे तो इतना, ये देखिए तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपरों हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे हो गया था कट गया, तो एक नहीं हुआ क्या, एक हो गया। तो वही बात, हमारे कहने का मतलब इसको तोड़े हैं तो एक आया है, ऐसे ही इसको तोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स के मान ए, बी के मान सॉरी यहाँ पर वाई के मान बी और जेड के मान सी दिया हुआ है, यहाँ पर दिले है। आगे चलिए बी वाला में, तो बी वाला में बी हो जाएगा वाई के जगह पर क्या डालेंगे, बी डालेंगे माइनस सी रहने देंगे गुणे जेड के जगह पर सी डालेंगे, बी प्लस सी वाई के जगह पर बी माइनस जेड के जगह पर सी, वही बात है। ये बी में बी से गुना कीजिए तो बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बी स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया माइनस सी में सी से सी स्क्वायर हो गया, आई बी प्लस सी आ बी माइनस सी, तो क्या बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर नहीं हो गया, इसे ही कट गया तो क्या आ गया, एक नहीं आया, ठीक है। वह बात हमारे कहने का मतलब, इसका भी मान एक आया, इसका भी एक आया, समझना जो एक उतने आएगा। देखिए एक्स बराबर ए होगा, वाई बराबर बी हो गया, और जेड बराबर सी हो गया, ठीक है। अब सी वाला में डालते हैं, तो सी वाला में डालेंगे सर, देखिए सी हो जाएगा जेड माइनस ए गुने ए बट्टा सी प्लस ए, यहाँ पर जेड हो गया सी माइनस ए, हो गया तो ये ऊपरी हो ही रहा है, ये हो तो कट गया, तो ये कन सर समझे। यहाँ देखिए तो इस लिहाज से इसका जो वैल्यू हुआ वन आया, प्लस है तो प्लस इसका वैल्यू वन आया, इसका वन तो वन वन तीन, तो तीन बराबर तीन, प्रूफ 25 में देखा जाए यहाँ पर ए रेशियो बी प्लस सी वन रेशियो थ्री दिया हुआ है। अब ए वाला नोट करते हैं, सी रेशियो ए प्लस बी बराबर 5:7, ठीक है, यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर मैं ए प्लस बी प्लस सी करता हूँ इसमें भी, तो ए प्लस बी प्लस सी हो रहा है, इसको भी करते हैं तो ए प्लस बी है, थोड़ा ये हटा पटा के क्या जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी ना आएगा, तो इस लिहाज से यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, इसको भी ए प्लस बी मान तो एक होना चाहिए, योग एक ना होना चाहिए, तो इसीलिए योग एक होगा तो 3 × 1 = 4 हो गया, यहाँ पर 7 × 5 = 12 हो गया, तो ऐसा क्यों, यहाँ तीन दोनों भाई भाई है, यहाँ 4 और 12 डिफ्रेंस क्यों हुआ, तो एक समान कर देंगे, तो क्या कर देंगे सर, एक समान कर देंगे यहाँ पर। अब एक समान करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 में 3 से गुना कर देते हैं, तो ऋषियों का नियम होता है क्या कि सब में गुना कीजिए ना, तो इसमें भी कर देंगे, इसमें भी कर देंगे, ओके समझ में आया। अब थोड़ा माइंड लगाइए, यहाँ पर जो ए का वैल्यू है सर 3, ए के स्थान पर 3, ये तो क्लियर हो गया कि ए का मान 3 है। यहाँ देखिए अब जो सी के जगह पर क्या है 5 है,
यहाँ पर क्लियर हो गया। क्या क्लियर हुआ? सी के जगह पर फाइव, समझ में आया? हाँ। अब एक चीज़ यहाँ देखिए, बी प्लस सी, तो तीन त्याही नौ, यानी बी प्लस सी का मान जो है ना नौ है ना। यहाँ देखिए बी प्लस सी का मान, यहाँ समझ रफ करते हैं, बी प्लस सी का मान नौ है, तो सी का मान इसमें डाल दीजिए, ठीक है, तो बी नहीं निकल जाएगा। बी का मान कितना निकल जाएगा? चार। बी का मान क्या हो जाएगा? चार। बी का मान चार हो गया, यानी ये तीन निकल गया, सी फाइव निकल गया, बी फोर निकल गया। अब जो पूछ रहा है वो कर दीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए हम अभी जो निकाले हैं, ए का मान थ्री, बी का मान फोर और सी का मान फाइव। अब प्रश्न में पूछ रहा है बी रेशियो ए प्लस सी, तो बी का मान हो जाएगा फोर और ए प्लस सी हो जाएगा आठ। ओके, अब इस दोनों को काटिए, एक दो हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक और दो। अब देखिए इसमें बी क्यू थ्री फोर, यहाँ पर क्यू और फोर एट नाइन, ठीक है सर। अब देखिए यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि क्यू दो जगह है, तो क्यू है तो क्यू तो बराबर होना चाहिए ना, तो यहाँ पर क्यू बराबर नहीं है, यहाँ पर जो क्यू है बराबर नहीं है, तो यहाँ पर क्यू को बराबर करने के लिए यहाँ आठ है, तो यहाँ पर आठ पूरा देंगे, दो से गुना कर देंगे, तो इसमें भी दो से गुना कर देंगे। इसीलिए यहाँ पर देखा जाए पी का मान, अभी पूछ रहा है क्या, ओनली फोर आर और पी, तो आर का मान कितना हो जाएगा, आर के जगह पर आर, तो ये हो जाएगा नाइन, है ना, क्या हो गया, नाइन हो गया। और पी के जगह पर मेरा है तीन दुना छः, अब काट के छोटा कर देते हैं, देखिए दो तिया तीन, यानी तीन दो का लसा आ गया, तीन और दो रेशियो आ गया। फ्रेंड, हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसमें हम लोग सभी क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से देखे हैं, जो आसान से आसान था और भारी से भारी क्वेश्चन था उसको भी हम लोग सॉल्व करने का प्रयास किया है। उसे शॉर्ट इजी फास्ट मेथड से हम लोग बनाए हैं, खांटी मेथड से बनाए हैं। ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये फ्रेंड, ये आपका चैनल है, आप इस चैनल को आप शेयर कर सकते हैं, जो भी वीडियो है उसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जो भी आपका कुछ आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट का रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।